हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की मैं एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है एम ए वे पंटाई का न्यू सॉन्ग आया है, ठीक हूँ मैं, एंड एक कोलैबोरेशन सॉन्ग है। और कोलैबोरेशन हुआ है एम ए वे पंटाई एंड हिलैक का। तो बिना लेट करते हुए गाना सुनते हैं और देखते हैं गाना कैसा है, क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, आप लोग से भी नहीं हो रहा होगा। चलो सुनते हैं, लेट्स गो। वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। तू मिलती थी तो दिल को था सुकून भय सरानी, कलम ये लिखता तो ये दिल को धड़कन है सरासी। तू जिंदगी थी, जिंदगी से काफी था खफा मैं, अब जो बात करती उसमें तुझको ढूंढता मैं। सुकून से जीने का था मौका जिसको खो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही पूछता मैं। तू नहीं तो क्यों ये दिल भी नहीं मानता, आशिकी का मतलब तूने ही सिखाया था। तू भी तो जाने कितना प्यार तुझसे करता हूँ मैं, नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं। अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रम आशिकी करूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं। अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रम आशिकी करूँ मैं। तन्हा राहों पे सब यादों का हिसाब है, किताब लिख दूं तेरे बारे में मिसाल में। खोया मैं कितना कुछ पर फिर भी ना मलाल है, ये दुनिया जानती नहीं हूँ मैं किस हाल में। साथ है तो बस बचे है कुछ याद तेरे, सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब लेने। तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन, सो जाओ तो भी मुझे आते है बस ख्वाब तेरे। भय का दिल ने तुझ पे दे दिया। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो भी हम वे कर रहे हैं अभी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब लाइफ में सब ठीक है ना इन अ रिलेशनशिप। पता नहीं, आप लोग बताओ ये सिर्फ एल्बम के लिए या फिर लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि पता नहीं, बताओ आप लोग। तन्हा राहों पे सब यादों का हिसाब है। डीप लाइन सुनो यार, मतलब कितनी डीप लाइन है। तू तेरे बारे में मिसाल में, खोया मैं कितना कुछ पर फिर भी ना मलाल है। ये दुनिया जानती नहीं हूँ मैं किस हाल में। साथ है तो बस बचे है कुछ याद तेरे, सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब लेने। तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन, सो जाओ तो भी मुझे आते है बस ख्वाब तेरे। भय का दिल ने तुझ पे दे दिया सजा मैं खुद को, न साथ रहना था तो कर दिया आजाद तुम। असाब है ये पूरा हो ना पाया आरज़ू, कोई पूछता है तो फिर देता हूँ जवाब उनको। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपने धुन में जिंदगी जीऊँ मैं। अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रो आशिकी करूँ। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपने धुन में जिंदगी जीऊँ मैं। अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रो आशिकी करूँ मैं। तो सॉन्ग देखो बहुत अच्छा था एम ए वे के, ऑल सॉन्ग बहुत प्यारे, नो डाउट। तो सॉन्ग की तारीफ करने से पहले मैं एक बात मेरे माइंड में आ रहा है कि देखो एम ए वे ना अपने बंदों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आप अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो आपको लिरिक्स समझ में आएंगे कि उसके लिए बंदों के लिए क्या लिखना है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एम ए वे अपने ऑडियंस, अपनी पब्लिक के लिए एल्बम में इस तरीके के सॉन्ग ला रहे हैं, या फिर सच में उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके कुछ हुआ है जो एकदम से अनाउंसमेंट नहीं, मतलब एकदम से वो नहीं बोल पा रहे कि अब हम नहीं हैं या ऐसा कुछ। तो अपने गानों के ज़रिए एक हिंट दे रहे हैं ताकि पब्लिक भी एकदम से शॉक ना हो और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। आई डोंट नो क्या है, मैं गलत हो सकती हूँ बिल्कुल, तो पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ गाना बहुत अच्छा है। एम ए वी की मेलेडी भाई खतरनाक होती है, इसमें नो कॉम्प्लीमेंट्स। मैं उसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, उसमें घुसना ही नहीं चाहूँगी मैं, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो या इस टाइप के सॉन्ग्स एम ए वी के बहुत ज़्यादा हील करते हैं जिनका भी हार्ट ब्रोकन हुआ है,
उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं। तो या गाना बहुत प्यारा था, और हमेशा एमिवे के गाने में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी सॉन्ग उठा लो, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, आज भी मैं वही बोलूँगी कि आज इस सॉन्ग में मैं एक चीज़ सीखी कि आपकी ज़िंदगी के हालात जो होते हैं ना, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। अपने जज्बात को बहुत ऐसे दबा के रख के स्माइल के साथ ऑडियंस के सामने आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है यार वो, मतलब कि समझ रहे, अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मतलब खुद में ही अकेले जब होते हो तब नहीं कर पाते, और इतनी लोगों के बीच में उस चीज़ को फेस करना वो बहुत टफ होता है। तो या अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और जो भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखो, और एक एनिमल पेरेंट्स हो तो आप अपने एनिमल का भी ध्यान रखो। मिलते हैं मैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।